हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में बताएंगे। फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए नंबर, नंबर का फेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए नंबर इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ एट वाट एवर प्लेस इट मे बी। हम जब किसी भी डिजिट का फेस वैल्यू निकालते हैं तो वो उसका जिस डिजिट पे होता है वह अपना स्वयं का होता है, चाहे वो कहीं भी किसी भी प्लेस पर हो, लेकिन उसका अपना डिजिट ही उसका फेस वैल्यू होता है। जैसे 6897, 6897। इसे में अगर हमें 7 का फेस वैल्यू निकालना होगा तो 7 का 7 होगा, 9 का फेस वैल्यू 9 होगा, 8 का फेस वैल्यू 8 होगा और 6 का फेस वैल्यू 6 ही होगा। यानी कि इसके प्लेस से कोई मतलब नहीं होता है, उसका अपना डिजिट ही उसका फेस वैल्यू होता है। उसके प्लेस से उसका कोई मतलब नहीं होता, चाहे वो किसी भी प्लेस पर हो, 1, 10, 100, 1000 किसी भी प्लेस पर हो, लेकिन उसका फेस वैल्यू उसका अपना डिजिट ही होता है। अब हम प्लेस वैल्यू के बारे में देखते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए नंबर, नंबर का प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। द प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए नंबर डिपेंड अपन इट्स पोजीशन। प्लेस वैल्यू जिस पोजीशन पे होता है, प्लेस वैल्यू में नंबर का जो डिजिट जिस पोजीशन पर होता है वह अपने पोजीशन के ऊपर ही डिपेंड करता है, वही उसका प्लेस वैल्यू होता है। जैसे कंसीडर नंबर 7348। यदि हमारा नंबर 7348 है तो इसका प्लेस वैल्यू होगा। हम इस कारण से डिजिट इन द प्लेस वैल्यू चार्ट एज शोन बिलो। हम इसका प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे। जैसे 8 वंस के प्लेस पर है तो 8 का प्लेस वैल्यू भी 8 वंस यानी कि 8 ही होगा। 4 टेंस के प्लेस पर है तो 4 टेंस यानी कि 40। 3 जो है 100 के प्लेस पर है तो उसका 300 होगा प्लेस वैल्यू। 7000 के प्लेस पर है तो उसका प्लेस वैल्यू 7000 होगा। यानी कि जो जिस प्लेस पर होगा, अगर वंस के प्लेस पर है तो सेम वही, टेंस के प्लस पर है तो हम टेंस मानकर चलेंगे। यानी कि अगर यहाँ 1 है तो टेंस हम लिखते हैं 10, तो 4 का 40। 100 के प्लेस पर है तो हम 100 के प्लेस से लिखते हैं और 1000 के प्लेस पर है तो 1000 को लेकर चलते हैं। यानी कि प्लेस वैल्यू डिजिट का डिजिट जो है जिस प्लेस पर होता है उस प्लेस के अकॉर्डिंग होता है। एक बात इसमें है कि जीरो, द प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो इज ऑलवेज जीरो वेर एवर इट मे बी। अगर इसमें कोई भी नंबर जीरो है तो जीरो का प्लेस वैल्यू जी हमेशा जीरो ही होता है, चाहे वह किसी भी प्लेस पर हो, उसका प्लेस वैल्यू हमेशा जीरो ही होता है, चाहे वो वंस के प्लेस पर हो, टेंस के प्लस पर हो, 100 के प्लेस पर हो या फिर 1000 के प्लेस पर हो, उसका प्लेस वैल्यू हमेशा जीरो ही होता है।